ठीक है अभी क्या मेरी आवाज़ आ रही है ठीक है गुड इवनिंग अब्रीवन अभी मेरी आवाज़ क्या ठीक से आ रही है अभी आवाज़ क्लियर है ठीक है नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है ठीक है चलो फाइनली आवाज़ अगर ठीक है तो हम सेशन को शुरू करते हैं ठीक है, है? Uh, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ ठीक है अभी नेटवर्क ठीक है नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है ठीक है अभी थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ है ठीक है चलो आज का सेशन शुरू करते हैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा नेटवर्क की प्रॉब्लम है ऑब्वियसली तो ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस सेशन में ठीक है चलो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे क्क करके फटाफट क्वेश्चंस को देखो और सॉल्व करना शुरू करते हैं

किया जाता है ठीक है तो बैगनॉल टूर्नामेंट होता है हमारा बैगनॉल टूर्नामेंट जो होता है ये सबसे ज्यादा बेस्ट बेस्टिडर किया जाता है ये आपका एक टाइप ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर आता है ठीक है जिसमें हम लोग फर्स्ट टू थर्ड पोजिशन को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका इसमें मानते हैं स्टेयर केस मेथड हमारा जो है ये हमारा एक लीग का टूर्नामेंट होता है ठीक है ये हमारा एक लीग का टूर्नामेंट होता है इसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट

राउंड में दे सकते हैं या सेमीफाइनल राउंड में देते हैं या फर्स्ट राउंड में देते हैं या फिर हम अपने फाइनल राउंड में बाई देते हैं चलो तो बेसिकली हम जो बाय देते हैं वो हम देते हैं अपने हमेशा फर्स्ट राउंड में ठीक है हमेशा फर्स्ट राउंड में ही हम अपना बाय देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है फटाफट काफी लोग आंसर का इसका सही है इसके बाद देखो क्वेश्चन है आपका एम ऑफ टूर्नामेंट इज टूर्नामेंट का क्या क्या एम होते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं ठीक है तो ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखो और जो भी एक टूर्नामेंट के एम होते हैं आपको टूर्नामेंट पता है क्या होता है जहां पे बहुत सारी टीम्स या फिर प्लेयर्स आके कॉम्पीट करते हैं एक ऑनर के लिए कुछ किसी प्राइस के लिए तो उस टूर्नामेंट के क्या क्या पॉइंट है टूर्नामेंट के क्या उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे मार्क करने ठीक है थीके? चलो फटाफट इसको देखो तो फिर तो मैं भी देख लेता हूँ सबसे पहले देखो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है टूर्नामेंट में कोई भी भेदभाव हमारा नहीं होता है ठीक है ये लोगों को साथ में लाने के लिए होता है लोगों के लेवल को बढ़ाने के लिए होता है एक्वायर न्यू स्किल्स बिल्कुल आप नई चीजें सीखते हो जब आप टूर्नामेंट खेलते हो तो आप ऑब्वियसली नए लोगों से मिलोगे तो नई चीजें आपको सीखने को मिलती है इकोनॉमिक ग्रोथ जो आदमी टूर्नामेंट कराता है ऑर्गेनाइज कराता है उसके पास बहुत सारी एंट्रीज आती है और उसकी इनकम भी होती है तो बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ है डिस्करेज स्पोर्ट्समैनशिप डिस्करेज ये नहीं करता है ये तो स्पोर्ट्समैनशिप को और बढ़ावा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट करें तो ये नहीं होगा वॉच एंड लर्न आप टूर्नामेंट देख के भी सीखते हो जरूरी नहीं है कि आप खेलो आप देख के भी सीख सकते हो और नेशनल ना इंटीग्रेशन इंटरनेशनल इंटीग्रेशन यानी कि एकता को ये बढ़ाता है फिर आप नेशनल की बात करो या फिर इंटरनेशनल की बात करो तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए टू थ्री फाइव एंड सिक्स तो ए ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा है यहाँ पे ठीक हो गया ए टू थ्री फाइव सिक्स ठीक है चलो अब देखो किस तरह के क्वेश्चन जब मैं कल आपकी क्लास ले रहा था तो बहुत लोग तो पूछ रहे थे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो देखो इस तरीके के डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इन लोअर हाफ इफ देर आर टोटल नाइनटीन टीम्स अब नाइनटीन टीम्स अगर हैं तो कितने बाइज आपके लोअर हाफ में दिए जाएंगे ये आपको यहाँ पे बताना है तो इसका आपको फॉर्मूला भी पता होगा कि कैसे है फॉर्मूला लगाओ और फटाफट इसका आंसर करो बाइस का फॉर्मूला क्या होता था वो लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे नंबर ऑफ बाइस निकालो पहले कि कितने बाइस देने हैं आपको नाइनटीन टीम्स के एक पिक्चर में और फिर उससे निकालो कि अपर और लोअर हाफ में कितने हैं तो आपको बताना है यहाँ पे कि लोअर हाफ में कितने बाइस होने ठीक है चलो ए और डी सेम है

अपॉन टू तो आपका आंसर आ जाएगा सेवन ठीक है तो सी हो जाएगा आपका सेवन अगर अपर हाफ की हम बात करें तो अपर हाफ में कितने हो जाएंगे हमारे सिक्स ठीक है अपर हाफ में हो जाएंगे सिक्स क्योंकि अपर हाफ में जो फॉर्मूला लगता है वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एन बी माइनस वन तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्वेल्व ये हो गया आपका ट्वेल्व और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्स ठीक है ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है फॉर्मूला आपको पता होगा तो ये आप इसका आंसर निकाल पाओगे तो अपर हाफ में सिक्स और क्वेश्चन क्या था लोअर हाफ में कितने होंगे तो लोअर हाफ में हमारे सेवन हो गए ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ मैचेस इन डबल लीग टूर्नामेंट डबल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है ठीक है फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे फॉर्मूलाज हमने सारे पढ़े हैं अब आपको इसमें से देखना है कि डबल लीग मैचेस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है चलो फटाफट फड़ इसको देख लो ठीक है डबल लीग के लिए जो सही आंसर इसका है दैट इज एन इंटू एन माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन ये जो फॉर्मूला है ये हमारा होता है डबल लीग टूर्नामेंट के लिए ठीक है अगर मैं एन माइनस वन की बात करूं तो ये आपका किसका होता है नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए एलिमिनेशन या फिर एक नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए ठीक है एलिमिनेशन या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए जब हम नंबर ऑफ मैचेस निकालते हैं तो फिर हम एन माइनस वन यानी कि नंबर ऑफ टीम्स माइनस वन कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है ठीक है एन प्लस वन अपॉन टू ये फॉर्मूला किसका है ये फॉर्मुला हमारा होता है टीम्स इन अपर हाफ को निकालने का अगर आपको याद हो तो टीम्स इन अपर हाफ कभी भी हम नॉकआउट के लिए एक को अपर हाफ और लोअर हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं तो अपर को निकालने के लिए हम एन प्लस वन अपॉन टू का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लगाते हैं ठीक है और अगर मैं डी वाले की बात करूं तो ये हो जाता है हमारा सिंगल लीग क्वेश्चन आपसे पूछा था कि डबल लीग टूर्नामेंट का कैसे होता है तो डबल लीग का तो एन

चलो ध्यान से देखो नॉकआउट टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट और इसके बाद चैलेंज टूर्नामेंट और रिक्रिएशनल टूर्नामेंट आप सबसे पहले इसमें देखो कि क्या कोई ऐसा टूर्नामेंट है जो कि होता ही नहीं है अगर ऐसा कोई टूर्नामेंट है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑड आपका हो जाएगा ठीक है तो मेरे ख्याल से जो आंसर ऑलमोस्ट सबका ही है वो है डी रिक्रिएशनल टूर्नामेंट किसी भी टाइप का टूर्नामेंट नहीं होता है ठीक है रिक्रिएशन टूर्नामेंट का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि रिक्रिएशन के लिए यानी कि टाइम पास के लिए या फिर अपने मनोरंजन के लिए लोग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन रिक्रिएशनल टूर्नामेंट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है ठीक है नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट एक बार टीम हारी बाहर लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट जिसमें पहले लीग होती है फिर नॉकआउट होता है जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आईपीएल पहले लीग स्टेजेस के मैचेस चलते हैं डबल लीग होता है हर टीम एक दूसरी टीम से दो बार खेलती है और फिर हमारे प्ले होते हैं जो कि होता है नॉकआउट ज टूर्नामेंट में क्या होता है एक टीम दूसरी टीम को डायरेक्टली चैलेंज कर देती है कि हम आपसे जीत सकते हैं और हम आपसे खेलना चाहते हैं तो ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन ये भी एक काइंड ऑफ टूर्नामेंट है तो इसका सही आंसर क्या हो गया रिक्रिएशन टूर्नामेंट जो कि किसी भी टाइप का टूर्नामेंट नहीं होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग फॉर फोर्टी सेवन टीम्स नॉकआउट की यहाँ पे बात हो रही है एक नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसमें आपकी फोर्टी सेवन टीम्स है अब आपको एक एक करके इन चारों का आंसर देना है तो फटाफट ए लिखो नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे टीम्स में इससे आपका एक ही क्वेश्चन से चारों चीजें हो जाएंगी और आपके जो फॉर्मुलाज आपने याद किए हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे ठीक है मैं एक एक करके आंसर लिखना शुरू कर रहा हूं जिनका मुझसे पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है जिनका नहीं हो पाए कोई बात नहीं आंसर uh, मिला लेना अगर मिला अगर आंसर ठीक आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है ठीक है चलो का लिख देता हूं बाइस कितने होंगे नेक्स्ट पावर ऑफ क्या हो जाएगी 64 47, तो हमारे आ जाएंगे सेवेंटीन ठीक है पहले एक आंसर हो गया सेवनटीन टोटल नंबर ऑफ मैचेस मैंने बताया नॉकआउट टूर्नामेंट में फॉर्मुला क्या होता है एन माइनस वन एन क्या हो गए हमारी नंबर ऑफ टीम्स तो टीम्स कितनी है 47, तो 47

इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ बाईज हमारे कितने थे 17 17 1 2 नंबर ऑफ बाईज हमारे कितने हो गए आलू हाफ में 9 ठीक है और अगर इसी की हम अपर हाफ की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा आ, एट ठीक है चलो आंसर्स मिला लो फटाफट एक आंसर आया है 17 नंबर ऑफ बाईज हो जाएंगे 17 टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे 46 टीम्स इन अपर हाफ आपकी आ रही हैं 24 और नंबर ऑफ

पार्टिसिपेट करती है आपको यहाँ पे बताना है सिंपल सा क्वेश्चन है ज्यादा टाइम इसमें मत लेना सारे सही है सारे सही है वेल well डन जिनके सारे सही है बहुत अच्छी बात है जिनका अगर एक भी गलत है कोई दिक्कत नहीं है प्रैक्टिस करो ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही हो रहे हैं ठीक है ठीके? चलो बढ़िया स्पेशल सीडिंग होगा इसका सही आंसर स्पेशल सीडिंग मैंने आपको बताया था एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे चार अलग अलग पूल बनते हैं और उसमें एक टीम ऐसी होती है हर पुल में जिसको डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल खेलना होता है सारी टीम के विनर से ठीक है तो ये हमारा होता है स्पेशल सीडिंग सीडिंग नॉर्मली जो होती है, अगर आ, मानो की आठ टीम का फिक्सर्स है तो उसमें चार टीम को आप सीडिंग दोगे जिनको आप अलग अलग रखोगे ताकि वो पहले ही आपस में ना भिड़े जिससे अच्छी टीम पहले ही बाहर ना हो जाए तो सीडिंग का ये मतलब होता है बाई आपको पता है क्या होते हैं consolation winner consolation एक टाइप ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट होता है जिसमें हम लोग प्लेयर्स को चांस देते हैं या टीम्स को चांस देते हैं जो हार जाती हैं उनको दोबारा खेलने के लिए तो consolation winner उस consolation टूर्नामेंट का विनर होता है जो कि जीत जाता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं व्हिच ट्रॉफी इज रिलेटेड टू लॉन टेनिस इसमें से कौन सी वो ट्रॉफी है जो आपके लॉन टेनिस से रिलेटेड है चलो ये मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ गेम्स के बारे में पढ़ना है और उनकी जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं उनको कुछ तो याद कर लो और बाकी सब रीड कर लो ताकि अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी ट्रॉफी है ठीक है चमत्कार हो रहा है आज अरे आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए चमत्कार हो रहा है चलो इसका सही आंसर होगा हॉकमैन कप लॉन टेनिस से रिलेटेड होता है हमारा हॉकमैन कप सुल्तान अजलन शाह की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा हॉकी का ठीक है दियोदर ट्रॉफी हमारी होती है क्रिकेट की आपने कभी ना कभी सुनी होगी रणजी ट्रॉफी भी होती है ईरानी ट्रॉफी भी होती है आईपीएल भी है तो ऐसे क्रिकेट की बहुत है पॉलिश ओपन होता है हमारा बैडमिंटन का ठीक है तो ये कुछ मेजर गेम्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको इनके बारे में पढ़ना है ठीक है जो अच्छी ट्रॉफीज होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए चलो यदि आप अन्य स्कूलों के खिलाफ खेल रहे हैं तो वो कौन सा इवेंट है ठीक है एक्स्ट्रा इंट्रा इंट्राम्यूरियल नेशनल या फिर बर्गर सिस्टम अगर आप एक स्कूल में हैं और किसी दूसरे स्कूल के अगेंस्ट टूर्नामेंट खेल रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन में है तो वो किस टाइप का टूर्नामेंट यहाँ पे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है ठीक है चलो अभी नहीं किए ये सर कोई बात नहीं अनुज कर लो आप आपके पास टाइम है पर कर जरूर लेना ठीक है चलो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्स्ट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल आपको पता है वो कॉम्पिटिशन होती है जो कि आपके चार दीवारों के बाहर होती है यानी कि आपके इंटर स्कूल्स इंटर यूनिवर्सिटीज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज, आपके स्टेट के टूर्नामेंट आपके नेशनल के आपकी चार दीवारों के बाहर जाके जो आपको खेलने पड़ते हैं तो स्कूल के अंदर आपका इंटर हाउस हो रहा है इंटर क्लास हो रहा है तो उन सारे कॉम्पिटिशन को हम क्या बोलते हैं म्यूरल ठीक है विदिन वॉल्स ये आपका हो गया म्यूरल की डेफिनेशन नेशनल सिंपल नेशनल टूर्नामेंट्स आपने देखे होंगे क्या होते हैं बर्गर सिस्टम हम लोग बोलते हैं लीग टूर्नामेंट्स को ठीक है जो लीग टूर्नामेंट्स होते हैं इनको हम लोग बर्गर टूर्नामेंट्स के नाम से भी जानते हैं तो ये भी आप नोट कर लें ठीक है जैसे हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं वैसे लीग टूर्नामेंट्स को हम बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं ठीक है बर्गर एक किसी के नाम के ऊपर बनाया गया है उनका नाम भी बर्गर था तो बर्गर सिस्टम इसको बोलते हैं ठीक है चलो रमेश कुमार बायोग ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर मी रमेश दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से ऑप्शंस आपको ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही चाहिए होंगे और आपका पेपर दोनों में ही आएगा तो आप उसको कर पाओगे चलो हाउ मेनी द टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज बाईस अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपकी नाइनटी नाइन है तो फिर आपके बाईस कितने होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है ठीक है सदफ ने लिखा है राउंड रॉबिन बिल्कुल सदफ राउंड रॉबिन भी बोलते हैं लीग टूर्नामेंट्स को ठीक है बुक में मेंशन हमारी नहीं था बर्गर सिस्टम इसलिए मैंने आपको बता दिया था ठीक है बर्गर सिस्टम हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है uh, इसीलिए मैंने आपको बता दिया और राउंड रॉबिन तो बुक में दिया चलो 99 टीम्स अगर हैं तो टोटल नंबर ऑफ बाइस यहाँ पे कितने होंगे फटाफट करो कैलकुलेट ठीक है नेक्स्ट पावर ऑफ 99 कितनी आ जाएगी 128 ठीक है ये आ गई आपकी टू की पावर माइनस करके देखो आपका आंसर आएगा 29 ठीक है 29 नाइन हो जाएंगे हमारे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट नॉकआउट बेस्ड मेथड ऑफ मेकिंग फिक्सचर अब नॉकआउट के बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे उसमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि नॉकआउट का फॉर्म नहीं है चलो फटाफट इसको बताओ दो तीन क्वेश्चन और रह गए हैं नेटवर्क इश्यू इस समय चल रहा है ठीक है अभी भी चल रहा है आ, मैं आज आपको बहुत ज्यादा कैसे मैं आपको बोलूँ मैं आपसे बहुत ज्यादा इस समय कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क की वजह से स्ट्रीम बहुत पीछे चल रही है मैं जब बोल रहा हूँ तो अराउंड आपको तीस चालीस सेकेंड बाद आवाज पहुँच रही है तो मैं आपसे डायरेक्टली इस समय बात भी नहीं कर पा रहा हूँ आपके कमेंट्स देख के एक्चुअली में ठीक है चलो इसीलिए मैं आंसर सारे आपको बता दे रहा हूँ और आज अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट नेटवर्क का ये इश्यू इस समय चल रहा है चलो तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टेयर केस मेथड स्टेयर केस मेथड जो होता है ये हमारा लीक का एक पार्ट होता है ठीक है इसके अलावा हमने और भी पढ़े थे कुछ दो और थे अगर आपको पता हो तो आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखना ठीक है कमेंट में लिख के बताना और कौन कौन से दो मेथड हैं जो कि हमने लीक के अंदर पढ़े हुए हैं जिससे हम लोग अपने फिक्चर्स ड्रॉ करते हैं इसके बाद कॉन्सुलेशन टाइप वन और कॉन्सुलेशन टाइप टू ये हमने दोनों क्लासेस में अच्छे से कवर किया था तो अगर आपको डाउट अभी भी इसमें है तो क्लासेस को एक बार अच्छे से देख लेना ठीक है और एलिमिनेशन तो नॉकआउट टूर्नामेंट को ही बोलते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैच फॉलोइंग फटाफट अब एब्रीविएशन है ये आपकी जो फेडरेशन है हमारी उसकी एब्रीवियस है कुछ इसमें इंटरनेशनल भी है कुछ नेशनल भी है थोड़ा सा दिमाग से इसको सोचो ठीक है टेबलेर और साइक्लिक गुड चलो आंसर आ गए अब इसमें से सही ले सकते हो करना है जल्दबाजी में भी ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन ज्यादातर वही आपसे गलत होते हैं एमसीक्यू में जो आपको अच्छे से आ रहे होते हैं क्योंकि जल्दबाजी में आप उसको गलत कर देते हो ठीक है ठीक है ऑप्शन ठीक है ठीक है उसके बाद ठीक है गे, आ, गे। ओके ओके ठीक है चलो फटाफट फड़ इसका देखो ऑप्शन क्या है और ध्यान से देखो ध्यान से पढ़ के बताना ठीक है देखो हैंडबॉल एच एफ आई ठीक है हैंडबॉल की एब्रिवेशन है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है फेडरेशन की एच एफ आई क्रिकेट की देखो इंटरनेशनल वाली देके रखी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल

क्योंकि ये तो मैंने आपको मैच में दे दिया है हो सकता हूँ आपको एमसीक्यू में भी आ जाए और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके लिए बनाई जा सकती है ठीक है यहाँ पे तो देखो अगर आप सही से देखोगे तो हैंडबॉल का आपको एच समझ में आ गया होगा क्रिकेट का आईसीसी सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट उसके बाद थोड़े बहुत में कंफ्यूज हो गए तो थोड़े बहुत देख के आप यहाँ पे समझ पा रहे हो लेकिन अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया गया कि एथलेटिक्स की इंडियन फेडरेशन क्या है और वहां पे लिख के आ गया ए एफ आई ए आई एफ आई एफ ए आई ए एफ तो आप बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए एक बार अच्छे से रीड करके रखो कि फेडरेशन कौन सी क्या है चलो सीडिंग इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जो सीडिंग दी जाती है जिसकी हमने बात करी थी एक एडवांटेज होता है ये कुछ टीम्स को या फिर प्लेयर्स को तो ये किसको दी जाती है ये आपको यहाँ पे बताना है ठीक है सॉरी किसके बेसिस पे दी जाती है यानी कि अगर आपके पास 16 या 32 टीम्स भी आई हैं तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आप सीडिंग किसको दोगे EFI और ICCI से पांच तो छह से एक तो बात नहीं गलत हो गया तो सर इनमें बहुत, बहुत से क्वेश्चन हैं अभी जिस क्वेश्चन पे मैं हूँ ये आप बहुत इजीली फटाफट करोगे पढ़ोगे और आंसर दोगे तो इन क्वेश्चन से आप टाइम सेव करके बाकी सब में कर सकते हो ठीक है चलो तो इसका सही आंसर होगा प्रीवियस परफॉर्मेंस पुरानी परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग

BCCI ठीक in है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बी सी सी आई बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट की टेबल टेनिस की हमने अभी इंटरनेशनल वाली देखी थी यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अभी कौन सी है इंडिया की अगर हम बात करें तो ये होती है टी टी एफ आई यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बैडमिंटन की होती है बी ए आई बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और हॉकी की होती है हॉकी इंडिया सिंपल ठीक है ठीक है हॉकी इंडिया भी सॉरी हॉकी इंडिया होती है हमारी इंडिया की हॉकी की फेडरेशन ठीक है टीटीएफआई टेनिस टेबल टेनिस ठीक है ठीक है चलो तो ऐसी एब्रीविएशन आपको आएंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने हैं मैं आपको बार बार बोल रहा हूं आपसे इससे एक या दो क्वेश्चंस एटलीस्ट आ सकते हैं और वो एक दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले हमारे एग्जाम में करेंगे ठीक है सो so, चलो ये थे हमारे आज के पूरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं सब लोग इस यूनिट को लेके बिल्कुल भी मत डरो इस यूनिट को तीन दिन या चार दिन थोड़ा ज्यादा दे दो बाकी यूनिट से थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा ठीक है जो हमारा बैगनॉल टूर्नामेंट था और ये जो कॉन्सुलशन थे ये आप सबको समझ में आ गए क्लासेज में तो ये पूरा चैप्टर तो ईजी समझ में आ जाएगा ठीक so, uh, so uh, है सो थैंक यू सो मच एवरी फॉर ज्वाइनिंग थोड़ा सा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए मैं बहुत अच्छे से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करके आऊंगा कॉलेज में हूं ऑब्वियसली तो इंटरनेट की प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज्यादा है uh, मैं किसी तरह नेट कनेक्ट करके आप लोग को क्लासेस ले रहा हूँ बट स्टिल कोई बात नहीं सफर कर रहे हैं मिलके करेंगे